कोशिश आप करूंगा। किसी दल में जाते हैं, अभी तक जहां तक हमें मिली है कि आप सामाजिक रूप से लोगों का निस्वार्थ सेवा करते रहे हैं, किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, लेकिन अगर आपको किसी दल में आने की आवश्यकता होती है, आप किसी दल से जुड़ जाते हैं, उस दल के नेता ही जी अगर उस छवि को लिए हुए हैं जो छवि सही नहीं मानी जाती है, यानी अपने और सिर्फ अपने परिवार के खातिर वो करते, तो आप कैसे विरोध करेंगे? जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैंने जो बीड़ा उठाया है वो कठिन है, वो एक आंदोलनकारी मूव है, लेकिन अब कहीं ना कहीं से तो आंदोलन की शुरुआत होती है और कई आंदोलन सफल भी होते हैं। जी जी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपने एक आंदोलनकारी कदम उठाया तो वो हो नहीं सकता, वो संभव नहीं है। मैं किसी भी दल में अगर शामिल होता हूँ जी जी, तो मैं अपने शर्तों पर शामिल होऊंगा। जी जी, मेरे लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो और जो बात सच है। नहीं, शर्तें विश्वजीत जी मान भी ली जाती है, अगर आपकी एक पहचान बनती है सामाजिक कार्यकर्ता रूप में जी, या फिर छात्र नेता के रूप में, तो वैसे लोगों को पार्टी ऑफर भी करती है जी, उनके शर्तों पे जी। लेकिन जब आप उस दल से जुड़ जाते हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो फिर उस दल की शर्तें नहीं लागू हो जाती उन जी। आपका कथन बिल्कुल सत्य है, बहुत हद तक तो हो जाती हैं, लेकिन फिर ये आपके खुद के ऊपर भी है कि आप उनकी जो ऐसी शर्तें हैं जो आपके विचारधारा के खिलाफ हैं उनसे आप दूरी बनाए रखें। नहीं, मान लीजिए आपने ये जो भी बातें कही, आम लोगों को भी ये समझ में आनी चाहिए कि विश्वजीत जी जो बहुत ही युवा नेता के रूप में उभरे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, अधिवक्ता हैं, आप के दल का अगर मैं अध्यक्ष हूँ जी और मेरी कार्यशैली आपको सही नहीं लगती है जी, मैं एक उच्च पद पे बैठा हुआ हूँ, तो आप मेरा विरोध कैसे करेंगे? जी देखिए, जिस मुझे जो मेरा मानना है, जो मेरी सोच है कि अगर व्यक्ति के पास अपना खुद का सामर्थ्य हो, जो कि सामर्थ्य उसके साथ के लोगों से आता है जी, जो कि उसके साथ के एक समूह से आता है, एक वर्ग से आता है जी जी, मैं किसी विशेष वर्ग या समूह की बात नहीं कर रहा, मैं एक उन वर्ग की बात कर रहा हूँ जिनको ज़रूरत है और जो पॉजिटिव सोचते हैं जी जी, उन उस समूह से, उस वर्ग से आपके अंदर एक ताकत जी समाहित होती जी है। जी, आप उन बातों, मैं समझता हूँ कि उन बातों को ही बताएं जो जनता आज के समय में जानना चाहती है जी। एक और अहम प्रश्न है आपके लिए, आप जनता के लिए क्या करेंगे या वादा करेंगे? क्या आपको लगता है कि नहीं, आप राजनीति में आने से पहले कुछ ऐसे वादे करेंगे? जी देखिए, मैं वादों में बहुत विश्वास तो नहीं रखता, क्योंकि वादाओं की एक सीमा भी होती है जी जी, तो मैं अपने आप को किसी सीमा में नहीं बांधना चाहता। एक बात जो मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी, जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे ये काम करना चाहिए जी, तो अपने स्वाभिमान की खातिर, अपने सोच की खातिर जी जी, मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। बिल्कुल, यानी कि वैसे लोगों के लिए आप सक्रिय रहेंगे जहाँ जिन्हें आपकी आवश्यकता हो। जी बिल्कुल, हम बात आपसे आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल हमारा वक्त कह रहा है कि हमें एक लेना पड़ेगा छोटा सा विराम, आप बने रहिए हमारे साथ। स्मॉल वंडर प्ले